नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सम्राट चौधरी जी, आपने जो 10 लाख नौकरी की बातें की हैं, ये जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं है। सबको पता है कि केंद्र की सरकार ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार नौकरी मिला है 7,22,311। आपने 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि एनडीए की सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। आप 2020 से 8 अगस्त 2022 तक सत्ता में रहे, आपने एक भी नौकरी या रोजगार नहीं दिया, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख नौकरियां दी, 4.5 लाख शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया और 3 लाख के करीब नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच में नफरत की राजनीति करने वाले लोगों ने नौकरी और रोजगार परक राजनीति की सरकार को कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया। जो सत्ता और सत्ता के मद में जनता और जनता के उम्मीदों के खिलाफ जाकर के काम करती हो, जो नौकरी और रोजगार के खिलाफ नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाती हो, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं नौजवान को भ्रम और धर्म की राजनीति में गुमराह किया जाता हो, वो नौकरी और रोजगार की बातें करे, ये कहीं ना कहीं जुमलाबाजी के अलावा कुछ नहीं है।